कहने लगे हम सब लोग मिलके मोदी से लड़ेगा, सब लोग मिलके मोदी से लड़ेगा। उसके बाद आपस में तो हमेशा लड़ना ही है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं अगले, तो मोदी जी का ऑप्शन क्या है। मैंने कोलकाता में 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री देखे थे। 1 दर्जन तो बेचारे टाइम से इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके कुर्ते नहीं सिल पाए थे। और ये थोक के भाव जितने प्रधानमंत्री थे वहां पर, सबके सब कंफ्यूज। इन सबको जाना दिल्ली था और सब कलकत्ता पहुंच गए। ये जो उनकी रैली थी, एक्चुअली रैली कम या शादी ब्याह का घर ज्यादा लग रहा था। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। आंध्रा से चंद्रा चाचू आए थे, पटना वाले चाचा का लड़का आया था, शरद मामा आए थे, खांसते हुए दिल्ली वाले मौसाजी भी आए थे, भतीजा साइकिल लेके ही लखनऊ से पहुंच गया था। दो ऐसे भी लोग आए थे जो बिना बुलाए किसी भी शादी में घुस के खा आते, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन वो शादी शादी क्या जिसमें फूफा फैले ना, और ये तो वो शादी है जिसमें एक नहीं सबके सब फूफा, और कमाल के बाद एक बुआ भी है। अब सोचिए जब बारात दरवाजे पहुंचेगी तो क्या हालत होगी। देखो चबा गया है, ई रैली हम बुलाया था, प्रधानमंत्री हम बनेगा, हम बनेगा प्रधानमंत्री। और ये देखिए प्रधानमंत्री जी, जी हम भी बन सकते हैं जी, हैं हम क्यों नहीं बन सकते हैं जी। इतने में पीछे से कोई तीसरा आया, एक मिनट, यदि आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। हम बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं जदि तुम प्रधानमंत्री हम बनेगा, हम प्रधानमंत्री 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 चल रहा है। पता दूल्हा उधर किनारे से सेहरा हटा के देख रहा है। भाइयों बहनों ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री।